संसद के मानसून सत्र के पहले सप्ताह के मुकाबले दूसरे सप्ताह राज्यसभा के कामकाज में गिरावट आई। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह उच्च सदन में 26.90% कामकाज हुआ, जो इस सप्ताह गिरकर 16.49% पर पहुंच गया है। इसके लिए विपक्ष के हंगामे बताए जा रहे हैं। कई मुद्दों पर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामा करने वाले सांसदों पर भी कार्यवाही हुई। अब तक राज्यसभा से 23 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि संसद में कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सका। वहीं राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक अब तक राज्यसभा में 10 बैठकों में सिर्फ 11 घंटे और 8 मिनट काम हुआ, जबकि इन बैठकों में 51 घंटे और 35 मिनट काम होना था। मतलब साफ है कि संसद में हंगामे के चलते करीब 40 घंटे और 45 मिनट का समय बर्बाद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।